नमस्कार श्राधा सरस्वहारिणे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से मैं नम्रता शर्मा आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज 3 अप्रैल 2020 की सुबह 9 बजे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए देशवासियों के अनुशासन और सेवा भाव को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट होकर लड़ सकता है। हर अंधेरे से लड़ूं मैं, एक दीपक सा जलूं, मैं बनूं साहस सभी का, अब न हारे मन किसी का। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने श्री मोदी के देश से किए आग्रह को दोहराते हुए संपूर्ण मेट्स परिवार से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस संकल्प में साथ आएं तथा कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देते हुए प्रकाश की ताकत का परिचय कराएं। 5 अप्रैल रविवार को रात्रि 9:09 के लिए सभी अपने घर की लाइट्स बंद करके अपने घर के दरवाजों या बालकनी में मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करें और साथ ही एक दूसरे से पर्याप्त दूरी का ध्यान रखें। प्रोफेसर नीलम शर्मा निदेशक मीट, प्रोफेसर रवि कुमार गुप्ता निदेशक मेम्स और प्रोफेसर एसएस देसवाल डीन एकेडमिक्स ने अपने सभी स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स से आग्रह किया कि वे श्री मोदी के इस संकल्प में साथ आएं तथा अपने अपने घरों में सभी लोगों को इस बाबत उनका उत्साहवर्धन करें। भगवत चरण श्रीवास्तव के शब्दों में एक दीपक मैं जलाऊं प्रार्थना का, एक दीपक तुम जलाओ अर्चना का, ज्योति का लक्ष्य तो तुमको जीतना है, हर सकूं यदि तम सकल संसार का, मैं जलूंगा दीप बन सद्भावना का। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे सभी को इस संकट के दौर में हिम्मत दें, उत्साह दें। डॉक्टर गर्ग ने श्री मोदी के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 5 अप्रैल रात 9:09 के लिए जब हर व्यक्ति एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा और उस प्रकाश में सभी महसूस करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं तथा कोई भी अकेला नहीं है। प्रार्थना है कि ये दीप हमारे अंतर मनों को भी प्रकाशित करे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।